खबर पाली के बाली से है, जहां पर आबू रोड से पैदल चलकर आए श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। ये श्रमिक दो दिन से श्रीसैला में ठहरे हुए थे। इनकी सूचना मिलने पर नवदुर्गा फाउंडेशन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी श्रीनिधि बीटी को जानकारी दी। इसके बाद उपखंड अधिकारियों ने श्रमिकों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। उसी के साथ में ग्रामीणों की सहायता से श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। बॉर्डर से आए थे, ये शहरी आदिवासी लोग थे, ये ईंट भट्टे में काम करने वाले श्रमिक थे और ये लोग 7 दिन से वहाँ से चल के श्रीसैला गांव में पहुँचे और वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनके मदद से और प्रशासन के मदद से इनका जो भी खाने पीना और रहने का इंतज़ाम हो रहा था। और आज हम राजस्थान परिवहन निगम के बस से जिला प्रशासन के निर्देशन में और राजस्थान सरकार के और सीएम साहब के मंशा से इन सबको हम अपने गंतव्य